अच्छा जी, तो नेक्स्ट BCQ इज मीजोथीलियोमा इज एसोसिएटेड विद, दैट इज एबेस्टोसिस। एबेस्टोसिस से मीजोथीलियोमा काज हो सकती है। सो ये दोनों एसोसिएटेड हैं। द नेक्स्ट वन इज फीटल पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर विच वीक। अब फीटल पीरियड स्टार्ट्स आफ्टर 8th वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 8th वीक के बाद फीटल पीरियड स्टार्ट हो जाती है। देन सोल्जर कम्स विथ हैवी ब्लीडिंग, द आइडियल फ्लूइड रिप्लेसमेंट वुड बी, हैवी ब्लीडिंग के साथ अब पेशेंट आ रहा है तो उसकी आइडियल फ्लूइड होगी होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर 3 डेज। 3 दिन तक उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है और देट विल रिप्लेस द ब्लड लॉस। वर्टीब्री इज डिराइव्ड फ्राम, दैट इज स्क्लेरोटोम। अब एज द वर्ड इंडिकेट्स स्क्लेरोटोम, उससे वर्टीब्री डिराइव होती है। लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एंड सरफेस एरिया इज कैपिलरीज की, लार्जेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होती है बिकॉज वो छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं तो उनकी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। और उसके अलावा नेक्स्ट वन इज ईसोफेगल हिस्टोलॉजी है, इज ईसोफेगस इज कवर्ड विथ, अब इसके दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ईसोफेगल हिस्ट्री है, ईसोफेगस इज कवर्ड विथ, दैट इज आंसर इज बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इन अपर 1/3 ईसोफेगस। और अपर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा होता है, लोअर 1/3 में कॉलमनर मेटाप्लेजिया हो जाती है ईसोफेगल की कार्सिनोमा में। सो इन दिस वे ईसोफेगल हिस्टोलॉजी।